पढ़ाई एक इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितना पढ़े ला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे टीचिया माइला। जब भी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होती है तो सवाल कुछ इस प्रकार के होते हैं। अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है जी, एसएससी नहीं किया है? जी हाँ किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। भारत के इतिहास में 34 साल बाद आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। The country has launched its new education policy in a bid to ramp up digital learning and promote the country as a global study destination. भारत की नई शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। The new education policy that is NEP 2020 has introduced major reforms in school education. इस पॉलिसी के हिसाब से ये तय किया जाता है कि कब तक स्कूल में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, बोर्ड परीक्षाएं कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाना है और उसके पीछे का मकसद क्या है। इन सभी नियमों की पॉलिसी मौजूदा सरकार लेके आई है और इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। मौजूदा समय में जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसे राजीव गांधी सरकार ने 1986 में लाया था, जिसके बाद उसमें नरसिम्हा राव के समय में थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की क्या जरूरत है, मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में क्या परेशानियां हैं, इसको लेकर सरकार का कहना है कि बदलते वक्त की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ाने के लिए और देश को नॉलेज का सुपर पावर बनाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जरूरत है। ये कदम अचानक से नहीं उठाया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वादा शामिल था और उसके बाद से इसको लेकर काम शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वें सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, देश के लगभग 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 15,00,000 से भी अधिक स्कूल, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है उससे भी अधिक 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं को आज इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। अब आपको इस पॉलिसी के तहत होने वाले कुछ बड़े बदलाव के बारे में बता देते हैं। हायर स्टडीज यानी कि 12वीं के बाद की कॉलेज वाली पढ़ाइयाँ अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम को फॉलो करेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की है और 2 सेमेस्टर बाद उसका मन हट गया या किसी और चीज की पढ़ाई करने का मन हुआ तो 1 साल खराब नहीं होगा, उनको इस 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा दिया जाएगा और पूरा कोर्स कर लेंगे तो डिग्री मिलेगी। इस तरह का सिस्टम बनाने की बात हुई है ताकि अगर कहीं और जब एडमिशन के लिए कोई स्टूडेंट जाए तो उसका ये पुराना रिकॉर्ड कंसिडर किया जाए। इसे क्रेडिट ट्रांसफर कहा जा रहा है। दूसरे बड़े फैसले की तरफ बढ़ते हैं। अभी बीए बीएससी जैसे कोर्स 3 साल के होते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे ऑप्शंस होंगे कि अगर नौकरी के लिए कोई ये पढ़ाई करने आया है तो उसे 3 साल के ग्रेजुएशन का विकल्प होगा और अगर कोई रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है तो उसे 4 साल का ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा। तीसरा बड़ा फैसला, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी सब्जेक्ट्स चुने जा सकते हैं, आप अपनी मर्जी और पसंद के हिसाब से अपने विषय चुन पाएंगे। हायर एजुकेशन में एक सिंगल रेगुलेटर होगा। मौजूदा समय में UGC, AICTE, NCTE जैसी कई अलग संस्थाएं हैं जो नियम बनाती है, इन सबको मिलाकर एक कर दिया जाएगा। देश भर की हर यूनिवर्सिटी में एक जैसी पढ़ाई होगी, फिर चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। इसके अलावा फीस पर भी एक फी कैप होगी। इससे प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा फीस नहीं वसूल कर पाएंगे क्योंकि फीस की मात्रा तय कर दी जाएगी और हर जगह एक जैसी फीस होगी। इस नई पॉलिसी के हिसाब से सभी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड भी एक जैसा होगा। इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो साइंस और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्चुअल लैब्स की भी बात की गई है। बात करते हैं स्कूली शिक्षा में कौन कौन से बदलावों की बात की गई है। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, हो सके तो 8वीं तक भी ऐसे ही क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी स्कूलों में अब हिंदी में पढ़ाई होने लगेगी। ये भाषाएं तब जिंदी रहेंगी जब क्षेत्रीय वहां का व्यक्ति उनको बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो ही तो जिंदी रहेंगी। इसलिए इस नई शिक्षा नीति में जो पहले 5वीं तक की जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में, वो अपने क्षेत्र की भाषा में होगी और यही मांग भी रही है हमेशा सबकी। 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 कर दिया जाएगा। इन दोनों के बीच का फर्क ये है कि नए सिस्टम में शुरू के 3 साल आंगनबाड़ी और प्री स्कूल के होंगे जो मौजूदा समय में अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स भी अब प्री स्कूल्स ऑफर करेंगे यानी नर्सरी, LKG, UKG जैसी क्लासेस जो अब तक प्राइवेट स्कूल में हुआ करती थी वो अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कराई जाएंगी। अब आपको 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत के 5 सालों के फेज को कहा जाएगा फाउंडेशनल स्कूल, जिसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे यानी नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक। उसके बाद के 3 साल तक के फेज को कहा जाएगा प्रिपरेटरी
प्रिपरेटरी स्कूल जिसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। इसके बाद के 3 साल तक के फेज को कहा जाएगा मिडिल स्कूल, जिसमें 11 साल से 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक। इसके बाद आखिरी फेज होगा सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। मौजूदा सिस्टम के हिसाब से स्टूडेंट्स को क्लास 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ उसे आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी फोकस किया जाएगा। इसका मतलब पेंटिंग, स्केचिंग, स्पोर्ट्स जैसी चीजों में अच्छे होने से रिपोर्ट कार्ड पर फर्क पड़ेगा। भी जो रिजिड सेपरेशन है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है अगर आप स्पोर्ट्स में चले गए, ये को करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने डिबेटिंग कर ली, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, या वोकेशनल सीखना चाहते हैं तो वो नॉन एकेडमिक है। वो सारा जो सेपरेशन है वो हट जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, एकेडमिक्स, Everything will be on the same level. New education policy की मदद से board exams के pressure को कम करने की कोशिश की गई है। Board exams में बदलाव किए जाएंगे। साधारण भाषा में कहें तो students के learning capabilities को test किया जाएगा, ना कि उनके रट्टा मारने की capability को। इसके अलावा स्टूडेंट के पास 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का विकल्प भी होगा। इसके अलावा 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कराने की भी बात की गई है, जबकि अभी के समय में 12th क्लास से पहले वोकेशनल कोर्स का कोई प्रावधान नहीं होता है। इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट पर्सन है या ट्रेड पर्सन है, वहाँ जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहाँ जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट ट्रेड्स क्या है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा, जो कि मौजूदा समय से कई ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है। जहां एक तरफ कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि एजुकेशन मॉडल में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, वहीं दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि पेपर में ये बहुत अच्छा लग रहा है, मगर इम्प्लीमेंटेशन में कई सारी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे फंडिंग आदि। फिलहाल सरकार की तरफ से ये सभी जानकारी आई है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स में जा सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।